जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वह न्यूज़पेपर एनालिसिस है और इस न्यूज़पेपर एनालिसिस के माध्यम से हम लोग जो करंट अफेयर्स है उसको भी कवर करेंगे। इसके अलावा उससे जुड़े हुए जो आपको परंपरागत प्रश्न है उसको भी क्लियर करेंगे। तो आइए आज 21 सितंबर से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको सबसे पहले जानते हैं। तो 21 सितंबर को क्या होता है कि आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति दिवस जो होते हैं वो आपको मनाए जाते हैं, क्योंकि ये जो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है इसको कहीं कहीं पर आपको विश्व शांति दिवस भी लिखा हुआ मिलेगा। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है ये आपको प्रतिवर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देश के जो नागरिक होते हैं उसके बीच में क्या करना है कि आपको एक शांति का माहौल बनाए रखना, जो अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष है उस अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को विराम देना। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगी कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है यह कब से मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है वो आपको वर्ष 1982 से मनाया जाता है, लेकिन क्या था कि वर्ष 1982 से लेकर 2001 तक अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो था वो आपको सितंबर माह के हर तीसरे मंगलवार को मनाया जाता था। लेकिन वर्ष 2002 से क्या हुआ कि इस विश्व शांति दिवस के लिए 21 सितंबर का तारीख जो था इसे निर्धारित कर दिया गया, और इस प्रकार से विश्व शांति दिवस जो होते हैं वो आपको 21 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाए जाते हैं। विश्व शांति के जो प्रतीक होते हैं वो आपको सफ़ेद कबूतर होते हैं, ठीक है, यानी कि कबूतर जो होते हैं शांति का प्रतीक होते हैं, और इस दिन आपको सफ़ेद कबूतर जो होते हैं वह काफ़ी ज़्यादा उड़ाए जाते हैं विश्व में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से। ये अब हम बात करते हैं मणिपुर के बारे में। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि मणिपुर जो है भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है, यानी कि भारत के पूर्व उत्तर में स्थित एक राज्य है और यह एक जनजातीय इलाका वाला राज्य है। तो यहाँ पर एक प्रश्न आएगी कि पूर्वोत्तर राज्य में कौन कौन से राज्य आते हैं। तो देखिए, पूर्वोत्तर राज्य में आपको 7 राज्य आते हैं, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। तो ये जो मणिपुर है आज इसलिए चर्चा में क्योंकि 21 सितंबर 1949 को ही क्या हुआ था कि मणिपुर का जो विलय था वो आपको भारतीय जो संघ है उस संघ में हुआ था, यानी कि मणिपुर का जो विलय है भारतीय संघ में 21 सितंबर 1949 को हुआ था, और इस विलय पद पर हस्ताक्षर करने वाले जो राजा थे मणिपुर के हुआ थे आपको महाराजा बुधचंद थे। मणिपुर को 1956 में संघ शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, लेकिन 21 जनवरी 1972 को मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो अब हम बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में। तो ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है इसका उद्देश्य क्या है कि देश में जो छिपी हुई प्रतिभा है उस प्रतिभा को क्या करना, तलाशना, ठीक है, यानी कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है इसका उद्देश्य क्या है। तो देश में जो छिपी हुई प्रतिभा है, खेल प्रतिभा, उसको क्या करना, निखारना, ताकि यह खिलाड़ी जो हो आगे चलकर क्या हो कि ओलंपिक के लिए, इसके अलावा आपको राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और भी जो खेल है जैसे कॉमनवेल्थ गेम हो गया, एशियाई खेल हो गया, उसमें भारत का क्या कर सके, प्रतिनिधित्व कर सके। तो ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है इसका जो पहला संस्करण जो आयोजित हुआ था वो आपको नई दिल्ली में हुआ था। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछ देगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत कब हुई थी, 2018 में, और पहला संस्करण कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में। वहीं इसका दूसरा संस्करण जो हुआ था वो आपको महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था, और तीसरा संस्करण जो है वो आपको जनवरी 2020 में असम के गुवाहाटी में हुआ है, और चौथा संस्करण जो है इसका 2021 में हरियाणा के पंचकुला में होगा। तो आपके लिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा 2020 वाला, ठीक है, क्योंकि 2020 में पूछा जा सकता है आगामी एग्जाम में कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था, तो वह आपको असम के गुवाहाटी में हुआ था। 2021 में कहाँ होगा, तो वह आपको हरियाणा के पंचकुला में होगा चौथा संस्करण। अब है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्देश्य क्या है, तो देश में छिपी हुई जो खेल प्रतिभा है उसको क्या करना, तलाशना, ताकि यह खिलाड़ी जो हो आगे चलकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व कर सके। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन से खेल हो गए, तो जैसे आपको ओलंपिक खेल हो गया, यूथ गेम्स हो गया, इसके अलावा आपको यूथ ओलंपिक हो गया, विश्व चैंपियनशिप हो गया, इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम हो गया, एशियाई खेल हो गया। तो इन खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व कर सके, इसीलिए क्या होता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन होता है, ताकि जो प्रतिभा है उस प्रतिभा को हम तलाश सकें। हाल ही में BCCI ने क्या किया कि आमिरत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है उसके साथ क्या किया है कि अपने संबंध को मजबूत बनाने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किया है।
तो यहाँ से एक प्रश्न आ जाएगी कि ये जो BCCI है इसका पूर्ण रूप क्या होता है। तो देखिए BCCI का पूर्ण रूप जो होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, यानी कि भारत में क्रिकेट को जो नियंत्रित करने वाली संस्था है वो आपको कौन है, तो वो आपको BCCI है। तो यहाँ से एक प्रश्न और उठेगा कि ये जो BCCI है इसका मुख्यालय कहाँ है, तो BCCI का मुख्यालय जो है मुंबई में, और मुंबई का कौन सा स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम। BCCI की जो स्थापना हुई थी वो आपको 1928 में हुई थी। फिर अगला प्रश्न आपके एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है कि BCCI के जो अभी प्रेसिडेंट है वह कौन है, तो BCCI के जो अभी प्रेसिडेंट है वह आपको सौरभ गांगुली है। वहीं आपको BCCI के जो अभी सचिव है वह आपको जैसा है, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को आपको ध्यानपूर्वक क्या करना है, वीडियो पॉज करके लिख लेना है। अब आइए अब हम बात करते हैं कि ये जो BCCI है, ठीक है, तो यह क्रिकेट को नियंत्रित करने वाली एक क्या है, भारतीय संस्था है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अभी जो भारतीय टीम के जो पुरुष वाले जो टीम है उसके मुख्य कोच कौन है, तो इसके जो अभी मुख्य कोच है वो आपको रवि शास्त्री है। वहीं आपको महिला क्रिकेट टीम जो है उसके अभी जो मुख्य कोच है वो आपको WV रमन्ना है। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है, याद रखना है। और फिर यहाँ से प्रश्न आ जाएगा कि अभी ये जो BCCI है इसके जो स्पॉन्सर है वह कौन है, तो देखिए इसके स्पॉन्सर जो है वो आपको पेटीएम है, नाइकी है, इसके अलावा आपको बैजू है, बैजू के अलावा ड्रीम इलेवन है, हुंडई मोटर कंपनी है, इसके अलावा आपको अंबुजा सीमेंट है। तो ये सब BCCI के क्या है, स्पॉन्सर है। तो आपको याद रखना है कि BCCI के स्पॉन्सर इनमें से कौन नहीं है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको सारे चीजों को क्लियर रखना है, जैसे बैजू हो गया BCCI का स्पॉन्सर, इसके अलावा अंबुजा सीमेंट हो गया, इसके अलावा आपको हुंडई मोटर कंपनी है वो हो गया, इसके अलावा आपको ड्रीम इलेवन हो गया, पेटीएम हो गया, नाइकी हो गया। तो ये सब BCCI के क्या है, स्पॉन्सर है। तो इन सारे चीजों को आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करके लिख लेना है।